ग्रेटर नोएडा के रबपुरा में अपने प्रेमी के घर पर रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने दावा किया कि उसे पाकिस्तान से धमकी मिली है। उसे और उसके प्रेमी को बुरा भला कहते हुए जान से मारने की बात कही गई है। हालांकि उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत नहीं दी। जेल से जमानत पर छूटने के बाद पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन का इंटरव्यू लेने के लिए सोमवार को भी रबपुरा में उसके घर पर मीडिया कर्मियों का आना जाना लगा रहा। सीमा के अनुसार एक मीडिया कर्मी ने अपने मोबाइल में फ़ोन में एक वॉइस मैसेज सुनाया। इसी के हवाले से सीमा ने जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया है। सीमा ने कहा है कि मीडिया कर्मी ने बताया कि यह वॉइस मैसेज पाकिस्तान के किसी मौलाना ने भेजा है। इससे पहले सीमा ने पाकिस्तान वापस भेजे जाने पर उसकी हत्या कर दिए जाने की आशंका जताई थी। सोमवार को फिर दोबारा ये बात दोहराई गई। सीमा के मुताबिक उसके बच्चे गुलाम हैदर को पापा कहने के बजाय हैदर कहकर बुलाते थे। बच्चे अपने नाना को अब्बू बुलाते थे क्योंकि उन्होंने ही बच्चों का पालन पोषण किया था। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसे खूब भला बुरा भी कहा था। हालांकि वह बार बार कहता रहा कि सीमा से उसका कोई लिखित तलाक नहीं हुआ है और वह अब भी उसकी पत्नी है। उसने भारत सरकार से एक बार फिर से अपील करते हुए सीमा और चार बच्चों को वापस भेजने की मांग की है। इस पर सीमा हैदर ने कहा कि उसका गुलाम से तलाक हो चुका है, अगर वह नहीं मान रहा है तो मैं कह रही हूं कि आज से उसका मेरा तलाक है। सीमा ने पति गुलाम हैदर की मांग को ठुकराते हुए कहा कि वह किसी भी कीमत पर अब पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती। अगर गुलाम हैदर चाहे और बच्चों की मर्जी हो तो वह उन्हें वापस पाकिस्तान ले जा सकते हैं। सचिन और सीमा ने बताया कि उन्होंने मार्च 2023 में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। एक सप्ताह होटल में साथ रहने के बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई थी। वह भारत आना चाहती थी लेकिन सचिन ने कहा कि वह पहले अपने बच्चों को लेकर आए, इसके बाद भारत आना। और लगातार सीमा हैदर का मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है और जहां पर लोगों की लगातार प्रतिक्रिया आती जा रही है। और अब एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान से लगातार सीमा और उसके प्रेमी की हत्या करने की धमकी दोनों को मिल रही है।